الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعيذكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم अलहली महमदूआ महमद वबारिक वसम रबरी वसर अमरी वाहुदतमनसानफ़ाह वजअली वज़ीरमिन आमीन या रबालमीन कुरानी हकीम में सूरतलिस और सूरतनसिस की आयत नंबर अट्ठावन तिलावत की गई है सूरतनिस में अबहानो ने ख़ानदानी जिंदगी से मुतक़ कमज़ोर तबक़ात मसलन यतीम औरतें इनके बारे में रहनुमाई अता फ़रमाई कुछ शरियहकाम मस वरासत से मुतल अहकाम अता किए गए इसी तरीक़े पर मुनाफिकीन का पर्दा भी चा किया गया है और अहले किताब के हवाले से भी सूरत नसाम गुफगु हमारे सामने आती है और आहले ईमान के लिए माशरती हदायत के साथ साथ उनकी सियासी अमूर से मुतक़ और कानूनी अमूर से मुतल और दस्तूरी मामला से मुतल भी हदाययात अता की इस जेल में यानी इज्तमाहीलतारत में सियासी अमूर कानूनी मामला दस्तूरी मामला इस हवाले से ये दो आयात बहुत अहम है जिनमें से एक का मतला करेंगे सुर नस् की आयत नंबर अट्ठावन और उनसठ फिफ्टी एट और फिफ्टी नाइन इस मकाम पर अल्लाह ने सियासी मामला के हवाले से भी और दस्तूरी मामला के हवाले से भी और कानूनी मामला के हवाले से भी अहम हिदायत हमें अता फरमाई हैं। अलबत् एक आयत का मुताल करेंगे तर्जमा इस तरह है तो इलाहा तुम अमानत उनके अहल लोगों के हवाले कर दो वो इरा हकम तुम बई नम नास जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो बिल अदल तो अदल के साथ फैसला करो इन अल्लाह भी बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही उमदा नसीहत अता फरमाता है अल्लाह बेशक अल्लाह सुन खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है पहली हिदायत है अमानत अहल लोगों के हवाले कर देने की दूसरी हिदायत है जब फैसला करने लगो तो आदिल के साथ फैसला करो और बताया गया है कि अल्लाह ताला उमदा वसीयत और नसीहत फरमा रहा है अलबत् अल्लाह खूब सुनने वाला है अल्लाह ताला के अहकाम और हिदायत के बारे में तुम क्या डिस्कशन करते हो तुम क्या कमेंट्स पास करते हो और तुम क्या इर्शादात से एक दूसरे को नवाजते हो अल्लाह को खूब मालूम है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये दौर है कि दीन के वाजी मुसलमा अहकाम का बड़े आराम से लोग मदाक उड़ा दिया करते हैं तो ये मदाख में उड़ाए जाने वाली बात ऐसे रहनी जाएगी हवा में अल्लाह सब कुछ सुनता है और अल्लाह सब कुछ देखने वाला है क्या मतलब ये जो दो सिफात अल्लाह ताला की अक्सर आयत में आखिर में आती हैं बड़ा रेलिवेंसी का मामला होता है या बड़ी रेलिवेंट हुआ करती हैं आयत जो तुम कह रहे हो अल्लाह सुन रहा है जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला का ये सुनना और देखना ये बताया जाना इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं तुम्हारी मालूम में इजाफे के लिए नहीं ये जनरल नॉलेज के लिए नहीं है बल्कि इसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे कल पूछेगा क्यामत के दिन अल्लाह ताला तब के हिसाब को आसान फरमाए इस वक्त हमारे मुल्क में आइंदा दिनों में इलेक्शन के हवाले से कुछ कुछ गहमा गहमी नज़र आ रही है गोमगो की कैफियत भी है कुछ बयान दाएँ बाएँ से आ भी जाते हैं इस तरीके पर और रियासत को चलाने वालों की तरफ से भी अलबत्त यानी इलेक्शनस के अयाम है इस वक्त हमारी ममलिकत में और उस हवाले से खासी गहमा गहमी भी है इन शाला आइंदा मेरा जुमा होगा लाहौर में तो कुछ वहाँ मैंने का नाम करना है और जब अगर इलेक्शन हो जाए अल्लाह ताली खैर आफियत का मामला रखे तो कुछ बातें इलेक्शन के बाद करने का इरादा है इस जेल में वो हदीस सल्लाह के रसूल सलाम की सामने रहती है उसको आप किसी दूसरे मफो में ना लीजिएगा कि जब एक बद्दू ने आकर मस्जिद नब्वी में पेशाब किया था तो सहाबा दौड़े उसको रोकने के लिए बल्कि कुछ सख्ती करने के लिए तो हज़ू अलीसलम ने फरमाया कि इसको फारिग होने दो और उसके बाद अल्लाह के रसूल अल्लात ने समझाया तो ये बात मेरे दिल में भी है कि कुछ बातें इलेक्शन से मुझे वो इलेक्शन अल्लाह तैराफियत का मामला रखे हो जाए तो उसके बाद करनी मगर कुछ बातें उससे पहले करना भी ज़रूरी है तो कुछ जिक्र आज करना है और कोई इन शाह आइंदा का जो खिताब जुमा लाहौर में होगा उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगी तो वहां भी कुछ बातें इनशा तस्कर के तौर पर या दहानी के तौर पर हम रखना चाहेंगे पहला ये साहित्य करीमा पर कलाम भी कर लें और इसके जेल में थोड़ा सा जिक्र हमारे हालात के अतबार से और ख़ास तौर पर ये वोट एक मुकदस अमानत है ये मरूफ जुमला भी है इस पर फतावा भी मौजूद हैं और इसके बरक्स भी कुछ आरा बयान की जाती हैं तो दरमियान की शक्ल क्या वो हम आपके सामने रख देंगे लेकिन बहरहाल वो एक अमानत अगर है तो फिर अमानत का दीन ने हुक्म दिया है कि उसको अहल लोगों के हवाले करो अलबत अमानत का वसी तर त है थोड़ा सा उस तसवर को यहाँ पे हम समझ लेते हैं या दिहानी के तौर पर इन बेश सुबह तुम्हें देता है इला कि तुम अमानत उनके अहल लोगों के हवाले कर दो पहले तो अमानत की अहमियत को जाने सुरतुल शुआरा का मताल करें हर पैगम्बर ने अपने तारुफ के जेल में फरमाया इन्नी लकुम रसूल अमीन मैं तुम्हारे लिए एक अमानत दार रसूल हूँ यह रसूलों का बुनियादी वसफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब वाकिफ हैं कि आगाज़ वहीं से पहले भी मुश्किन क्या कहते थे आपको सादिक और अमीन ये अलग बात है कि हमारे सियासतदानों ने और हमारे बाज जज ने और हमारे बाज वकला ने और हमारे एंकर पर्सनस ने इन मुकदस अहत का भी मदाक उड़ाना शुरू कर दिया ये अपनी जगह अलग मौजू है सादिक और अमीन की नस्बत जाती है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ और आर्टिकल 62, 63 पर कलाम करते हुए कभी और और कर मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं जरा ख्याल करना चाहिए किन सिफात पर कलाम हो रहा है और वो सिफात की नस्बत किस तरफ जा रही है। तो पैगम्बरों को बुनियादी वस अमानत मोहम्मद मुस्तफ़ा आगा से वही से कबल भी सादिक और अमीन अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सलाम ला ईमान अमानत फरमायामानत उसका कोई ईमान नहीं जिसमें अमानत का वफ्फ न हो ये कोई दीन से बाहर की शय नहीं हुजूर तो ईमान से जोड़ रहे अगर ईमान वाक होगा तो बंदा अमानत दार होगा बंदा अमानत की पासदारी करेगा जन्नतफरदौस पाने वालों की सिफात कुरान करीम में सूरतलमून की इब्तदाई ग्यारह आयात में आई सूरत अठारहवा पारा उसके आगाज में ग्यारह आयत में जन्नत तो फिरदौस पाने वालों की सिफात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई अल्लाह फरमाते वल्लिन अमानात हिम वाहद हिम राउन ये वो है जो अपनी अमानतों और अपने वादों का लिहाज रखते हैं तो अमानत तो बुनियादी वसफ है और इसके बरक्स अल्लाह के रसूल मुकदम सल्लाम ने यह भी शाद फरमाया कि मुनाफिक की चार सिफात हैं जब बात करेगा झूठ बोलेगा जब वादा करेगा खिलाफ वर्जी करेगा जब अमानत रखवाई जाएगी खयानत करेगा और जब झगड़ा होगा तो गालियों पर उतर आएगा बकौल हमारे उस्ताद डॉक्टर इस साहब रहमत लमूम के अतबार के से आज हमारा कौमी मिजाज बन चुका है वो तो अपने दौर में कह रहे थे आज तो एक सौ छत्तीस से ज्यादा तो सेटेलाइट चैनल हैं और लाखों की तादाद में हर बंदा अपनी जब में यूट्यूबर है जरा देखिए आज हमारा कौमी मिजाज क्या है झूठ वादा खिलाफी खयानत और गालियाँ अल्लाम सब की हिफाजत फरमाए मुनाफिकीन का तर्ज अमल है जब अमानत रखवाई जाएगी वो ख्यात करेगा ये तो अमानत की अहमियत का पहलू दूसरी बात है कि अमानत सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास आपके पास किसी ने कुछ रुपए पैसे रखवाए या कोई सामान रखवा दिया गोल्ड रखवा दिया बतौर अमानत और हमने उसको वापस कर दिया ये भी अमानत है कोई शक नहीं मगर ये तो अमानत के कुल तस्वर का पांच फीसद भी नहीं अमानत का तस्वर तो बड़ा वसीतर है मसला अल्लाह ने मुझे और आपको जिसम दिया तो ये भी अमानत है अब इस जिस्म के आधा के बारे में कल जवाब देना है कुरान पाक कहता है सूरह बनी इसराइल में आयत आयतं छत्तीस में इन अवलबस आदा कुल्लु का कान कुलु ये समात है बसारत देखने की सलाहियतें हैं इन सब के बारे में सवाल होगा कायनात तो बड़ी शह है आपके पास मेरे पास मौजूद मालो इसबाब तो बड़ी बात है इंसानी वजूद के आदा पर इंसान गौर कर ले वफी अन फीकला तब तुम्हारे अपने अंदर, अंदर अल्लाह की मार्फत की निशानियां हैं क्या तुम गौर नहीं करते एक तो अल्लाह को पहचानने की निशानियां और दूसरा फुमतुसम नयिन आनी नईम लाजिमन तुमसे नियमतों के बारे में सवाल होगा अब आंख कहां इस्तेमाल हो रही है कान कहां इस्तेमाल हो रहे हैं कहाँ इस्तेमाल हो रही है ये हाथ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये हाथ की ताकत कहाँ इस्तेमाल हो रही ये पैर चल के किधर जा रहे हैं ये दिमाग क्या सोच रहा है ये दिल किन ख़यालात को परवान चढ़ा रहा है इन सब के बारे में कल सवाल होना है हाँ दिल के बारे में भी जो तुम्हारे जी में है तुम जाहिर करो या पोशीदा रखो अल्लाह तो हिसाब ले रहेगा अल्लाह हम सब के हिसाब को आसान फरमाए तो ये वजूद और इसके आदा ये भी अमानत इस वजूद में अल्लाह ने रू फूकी है और इस रूह की आबियारी करना इस रूह के तकादों को पूरा करना इसी में तो कामयाबी है नम फू रहा व तकवाहा कदफफलहा मनजक्का हा मक़द खावा मंदस्सा है इस नस को कंट्रोल में रखना रूह को बेदार करना उसके तकादों को पूरा करना यह भी अमानत ये अल्लाह का कलाम हम पढ़ते कुरान ये अमानत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम पूरी शरीय पूरा दीन देकर गए अमानत गिनते चले जाइए ये सारे मामला अमानत के जेल में इनके बारे में कल जवाब देना है फुम्मत उसमे नीन इसी तरह मालू असबाब हो पूछेगा अल्लाह ताली हलाल से कमाया या हराम से जाइज में खर्च किया या ना में खर्च किया ये कल जवाब देना इसके बगैर हमारे कदम हमारी जगह से हट नहीं सकेंगे मशहूर हदीस है नबी सलाम की जाम तरमिजी में बंदे के कदम उसकी जगह से हट नहीं सकेंगे क्यामत के दिन जब तक वो पांच सवाल के जवाब न दे जिंदगी कहां लगाई जवानी कहाँ खपा दी माल कहाँ से खर्च माल कहाँ से कमाया माल कहाँ खर्च किया और जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया ये आपकी मेरी जिंदगी के अहम तरीन सवालत हैं ये पॉपअप होकर किसी सोशल मीडिया पर कभी आते हैं सवाल हाँ? ये करोड़ों की मार्केटिंग बल्कि अरबों रुपया मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने वालों ने कभी आज तक यह इश्तेहार आपको दिखाया ये ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले किसी अदाकारा का वजन इतना बढ़ गया और फला अदाकारों को तलाक हो गई और फला की फला अदाकारा से शादी हो गई ये तो सारी कौम का ब्रेकिंग न्यूज का मामला है आपकी मेरी जिंदगी के अहम तरीन सवाल अल्लाह ने ब्रेक किए हुए एज ए न्यूज चौदह सदियां हो गई अपने रसूल के जरिए सल्लाम आते हैं कहीं आप देखें किन चक्करों में आपको मुझे रखा हुआ है जो आज एक शादी हुई और एक खुला का मामला सारी दुनिया को पता है जिस वक्त डॉक्टर इसराज साहब रहमत तो का इंतकाल हुआ तो इन और जिनका खुला का मामला मोहतरमा उस वक्त उनकी भी शादी हो रही थी और डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे शख्स को कहना पड़ा कि इतना बड़ा आलिम दीन दुनिया से चला गया मगर हमारे सेटेलाइट मीडिया के पास चैनल के पास टाइम नहीं था क्योंकि उस जोड़े की शादी एक हफ्ता उनको दिखानी थी ये तो इनकी ब्रेकिंग न्यूज है ये तो इनकी हेडलाइन न्यूज है आपसे खबर में इनके बारे में सवाल होने मुझसे और आपसे खबर में इनके बारे में सब खबर के सवाल कितने लोगों को याद है हशर के मैदान के सवाल कितने लोगों को याद है तो गोया अगर पहुंचाने वाले ये भी नहीं पहुंचा रहे तो ये भी अमानत में खयानत है लिखा है मुफसरीन ने लमा के पास अमानत है अल्लाह का ये दीन सही तौर तो पर पहुंचाना उम्मत की रहनुमाई करना ना करे तो यह भी अमानत में खयानत है मनसब है किसी के पास गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सेमी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रियासती इदारों के अंदर बैठे हुए हैं अमानत है तुम्हारे पास और याद रखिएगा किसी सोल प्रोप्राइटर की शॉप पर या दुकान पर या कारोबार में कोई डंडी मारे तो एक बंदे का नुकसान होता है जी रिया इधारों में बैठे वो पाकिस्तान कस्टम्स हमारे दादा हमारे अब्बा कस्टम्स में रहे हमें अच्छा पता है वहां के बारे में अल्लाह उन दोनों के दरा जा बलन करे ईमानदारी से हलाल हमारे पेट में उन्होंने डाला मगर आपको भी पता है मुझे पता है कितनी हराम होती हैं पुलिस का महकमा है रेलवे का महकमा है एफ बी आर का महकमा है स्टेब्लिशमेंट के इदारे ये कौम के टैक्सेस पर चलते हैं भाई यहां डंडियां मारने वाले खयानत करने वाले पूरे कौम के मुजरिम हैं ये पूरी कौम के साथ खयान कर रहे हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी ये नेशनल एक्स चेकर या रियासत का माल जो अमानत है जरा सुने बात से बात निकलती है रसूल का दौर एक शख्स कतल हुआ हजूर के साथ खड़ा होकर कताल किया उसने साहब कराम के साथ खड़ा होकर जंग में शरीक है रसूलुल्लाह के साथ शरीक है सल अलाम कतल हो गया साहबा कहते हुजूर शहीद हो गया हुजूर फरमाते शहीद नहीं है जहन्नम में अल्लाह अकबर कबीर बुखारी शरीफ में रिवायत है हुजूर क्यों जहन्नम में का गनीमत कमाल तकसीम हुआ एक चादर इसने चुरा ली थी नीमत का एटी परसेंट मुजाहिदीन में जाता है ट्वेंटी परसेंट नेशनल एक्सचेकर में जाएगा या पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स में जाएगा पब्लिक के लिए इज्तमाही माल एक वन सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ हां दस करोड़ों का बंगला नहीं और खरबों के जजीर और अरबों के जजीरे नहीं हराम खोरिया नहीं इतनी बड़ी जो आज हमारे वाले करते हैं जबकि एफ बी आर का चेयरमैन सुना चुका हूं मैं आपको सेनेट में खड़ा होकर कहता है कि छे सौ अरब की तो हमारे एफ बी आर के अंदर करप्शन है जिनको पूरी कौम से वसूल करके कौम पर खर्च करना है उनके अंदर छ सौ अरब की करप्शन है तो बाकी कौम का हाल क्या होगा एक चुराई चादर हजूर फरमाते ही इसने गरीम में से चुराई दी जहन्नम की आग में चलेगा मजाक बना के रखा हुआ हल्का समझते है इन चीजों को तो ये सारा तस्वर अमानत में अल्लाह की जन्नत को सस्ती है ऑनलाइन ऑर्डर पे मिलेगी महज कलमा पढ़ने पर मिल जाएगी अल्लाह की जन्नत और हराम खोरियां करते रहे पूरी कौम को लूटते रहे उनको पूछने वाला कोई ना हो हां जजिस के पास फैसले आते हैं अमानत है तुम्हारे पास अदल वो आगे अदल की बात भी आ रही तुम्हें इख्तियार अल्लाह ने दिया है यह अमानत है अल्लाह पूछेगा सही इस्तेमाल किया नहीं और हिम्मत नहीं है सही इस्तेमाल करने की तो इस्ते है कि घर पर जाओ हाउ डेयर द पोजिशंस मतलब एक बाप मैं बाप हूं आप लोग बाप हैं जान निकल जाती है अगर अल्लाह चंद बच्चों के बारे में सवाल को पूछेगा तो कुल्लु राइन व कुल्लुक मसून रत ही हर एक तुम्हें इससे राय निगेबान है और उसकी रईयत के बारे में जो उसके जर तहत होंगे तो सवाल किया जाएगा बाप है तो औलाद के बारे में सवाल होगा जान निकल जाती है अल्लाह पूछेगा इन बच्चों के बारे में हलाल खिलाए कि हराम खिलाए ये बच्चे भी अमानत है आपकी मेरी इनको तालीम दिलवाई सेहत का ख्याल रखा गैजेट्स का ख्याल रखा ए सी का ख्याल रखा गीजर का ख्याल रखा बेडरूम का ख्याल रखा वेकेशन का ख्याल रखा गाड़ियों का ख्याल रखा बाहर पढ़ाने का ख्याल रखा सेटल करने का ख्याल रखा इनको ईमान दिया कि नहीं ईमान वाला बनाया कि नहीं अल्लाह का बंदा बनाने की कोशिश औलाद भी अमानत है तो बताइए जिंदगी को गुगोशा बचा और सुने ये जितने हकूक लाईबाद और हकूक उल्ला अमानत है हमारे पास मां बाप का हक अदा करना ये अल्लाह का हुक्म है ये मेरे पास अमानत है अल्लाह ने बेटा बना दिया मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी अल्लाह पूछेगा मां बाप का हक अदा किया कि नहीं बीवी का हक अदा किया कि नहीं औलाद का हकदा किया कि नहीं पड़ोसी का हक अदा किया कि नहीं शोहर का बीवी का दीगर रिश्तेदारों का हक अदा किया कि नहीं और यहां तक मुफस्िरी ने लिखा इबादत का जो हुक्म रब ने दिया ये भी अमानत है नमाश वकबर अदा की कि नहीं जक़ात वकबर अदा की कि नहीं रमदान के रोजे से रखे नहीं हज फर्ज सा जिंदगी में अरतबा अदा किया कि नहीं तो इबादत भी अमानत हुकूक भी अमानत हुकूक भी अमानत रुपया पैसा किसी ने रखवाया वो भी अमानत रूह भी अमानत जिस्म भी अमानत कुरान भी अमानत दीन भी अमानत भी इख्तियार भी अमानत जो रब ने दिया वो अमानत उस सब के बारे में जवाब देना है इसलिए मुफसरीन ने लिखा ये वो इतनी जामे है, है कि तुम अमानत उनके अहल लोगों के सुपर्द कर दो इसमें मनसब भी आएंगे मनसब किसी को देना है बाज मरतबा इधारों में होता है किसी के पास इख्तियार होता है किसी को अपॉइंट करने का यह भी है और बास मरतबा मुल्की सतह पर इंत किसी प्रोफेशनल बॉडी के इंतबात आ जाते हैं तो बंदा एक वोट देता है राय देता है यह हक राय दही ये वोट यह भी अमानत है बिल्कुल सही बात है तो अमानत किसको दें सुनिएगा रसूल आसलाम की हदीस है आपने फरमाया कि अलामातीमत में यह भी है कि कौम के जलील तरीन लोग कौम के हुक्मरान होंगे कौम के जलील तरीन लोग कौम के हुक्मरान होंगे हमारे कुछ साथ नवीद अहमद साहब अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए यहाँ के माजी के जो पुराने नमाजी हैं तो अच्छी तरह उनको जानते होंगे किसी शायर का बताया कि उसका इंतकाल हो गया और हमारे होते हैं जब किसी का इंतकाल होता है तो ताज़ियत भी पेश की जाती है बिश सपास नाम में फिर ताज़ियती रेफरेंस भी होता है जनाब वो शायर जरा दूसरे मिजाज के आदमी थे बारह अल्लाह तला सबकी मफफरत फरमाए लेकिन दूसरे मिजाज के बुरे कामों में मुबतला थे तो लोग आ तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह क्या कमाल के आदमी थे और क्या जबरदस्त आदमी थे क्या उनकी खूबियां थी क्या उनके अखलाक थे एक दो तीन चार दस बारह लोग आ गए अब एक हजरत की बारी आई और उनको उनसे रहा नहीं गया बोला भाई आप दस बारह लोगों ने माशाल्लाह उन मरहूम के जितने औसा बयान फरमाए अगर जो जैसे वो थे मैं अल्लाह तला से दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको वैसे ही बना दे आप मैं से कोई दुआ करेगा उनके लिए कि अल्लाह मुझे वैसा बना दे उनसे पूछा सबकी निगाहें नीचे झुक गई आप अपने दिल पर हाथ रखें पचहत्तर बरस की तारीख को सामने रखें ये फौजी हुक्मरानों को भी सामने रखें और सिविल वालों को भी क्या आपके मेरे जज्बात हैं अक्सर के बारे में अक्सर एक्सेप्शन हो सकते हैं मुझे भी पता आपको भी पता है आप और हम दुआएं कर इमाम से दुआ करवाएंगे इमाम साहब दुआ करें हम सब इन जैसे हो जाएं करवाएगा इमाम चेक कर लीजिएगा इल्ला माशाल्लाह एक्सेप्शन कैन बी देयर और आमीन कहेंगे हम और आप, आप लोग आप अपने दिल से पूछे मैं अपने आप से पूछता हूं बहर तो हाल अभी इलेक्शंस का दौर दौर आएगा मैंने कहा था कि जरा सी बात आज करूंगा आईंदा खिताबे जुमा लाहौर में करूंगा और इलेक्शन अल्लाह ताला आसानी करे अगर वक्त पर हो गए तो उसके बाद अपने और जज्बा का इजहार कर देंगे इंशाल्लाह ताला। इससे कि मैं उसूली बात रख दे तो तनजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार साहब रहमत ने जो कायम फरमी हमारा उसूरी मौकफ यह है कि इस ममलिकुदादा का असल मसला हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क को लिया इस्लाम हमने नाफिज नहीं किया हमारा सबसे बड़ा मसला यह है हम उल्टे लटक जाए हमारे मसले हल नहीं होंगे और मैं बड़ी सख्त बातें अर्ज कर देता हूं काफिर बन जाए तो अल्लाह ताला ने दुनिया फिरौन को नमरूद शामू अबू लहब अबू जहल को दे दी आज के काफिरों को भी अल्लाह दे देगा सीधी सी बात मगर दावा है कि मुसलमान है और मुल्क लिए इस्लाम के नाम पर जब तक अल्लाह के दीन के साथ कमिटेड नहीं होंगे आपके मेरे मसले हल नहीं होंगे नंबर एक नंबर दो इसका वाहिद रास्ता तहरीक का रास्ता है जिसको इनकलाबी जिद्दोजहद हम कहते हैं और तहरीक के रास्ते के सिवा इस मुल्क में निजाम नहीं बदल सकता सियासत के रास्ते से चलता हुआ निदाम चल सकता है एक पार्टी कहेगी हम जरा अच्छा चला देंगे वो अच्छा चला देंगे चल सकता है बदल नहीं सकता निजाम जब भी तारीख में बदला वो तहरीक और इनकलाबी जिदोजहद के रास्ते से बदला हम क्लियर हैं इस बारे में अलबत् हम ये भी अर्ज करते हैं कि मुमलिकत है इसको चलना है हमने कारोबार करना है नौकरियां करनी बच्चों ने स्कूल जाना है हॉस्पिटल चलने इधारे चलने आई डी कार्ड बढ़ने वगैरह वगैरह तो हाँ जब तक वो इनकलाबी रास्ते के जरिए इस्लाम गालिब नहीं होता जिसकी असल दावत हम देते हैं सीधी सी बात असल हमारा तवज्जो का मामला उस तरफ है उस वक्त तक जब तक वो नहीं होता तो मुल्क तो चलाना है ना जैसे हाँ एक हमारा असल रूह का मामला है एक हमारा जिसम है जिसम के लिए खाना पीना हवा पानी जरूरी है ना तो इस ममलिकत को चलाने के लिए निजाम को चलाना तो जरूरी है उसके भी इंतख्या होने चाहिए ठीक है जरा फाइन ट्यूनिंग भी होती चली जाए लोगों को अपनी दिल की आरजू पेश करने का और अपनी भड़ास निकालने का भी मौका मिल जाए और वगैरह वगैरह तो हम कहते हैं कि हाँ अलबत्ता दौर के लिए हम कहते हैं कि ये चल सकता है लेकिन निजाम नहीं बदलेगा इस इस सियासत के रास्ते सी तयशुदा बात अब अगर ये बात आती कि जनाब वोट का मामला ये तो एक अमानत है बिल्कुल आप अमानत अदा करें किसको अदा करें अहल लोगों को देना तो हमने दो अपनी तंजीमी पॉलिसी में नुकते रखें आजकल कुछ लोग हैं मैं बाद में फिर कभी तफसी से बात कर लूंगा एक हजरत वी लॉगर हैं वो को ज्यादा तनजीम इस्लामी को सबक पढ़ा रहे हैं कि आप जनाब वो फला एक जमात जिसको कॉर्नर कर दिया गया उसकी जो है हिमायत करें क़ायदे आदम की तरह उनके भी बानी जो है वो कायदेम आदम जैसे आदमी और उनकी वो करे बड़ा हमें वो सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वी लॉग पर आकर और अपने सोशल मीडिया पर आकर भाई फिर कभी आपसे बात कर लेंगे इन एक ही सियासी जमात से ए, की तरफ से एक बयान अखबार ने कोई शायद कर दी भी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि जनाब तनजीम इस्लामी की क्यादत से बात हुई है और उन्होंने ये फल माया है कि जनाब नहीं, नहीं हुई है अजीब बात है, वालों ने दीगर तो जमातों तो को भी, भी तंजीम इस्लामी बिल्कुल क्लियर इस बारे में सिस्टम चल सकता है बदतरीन चलेगा लेकिन चल सकता है बदल नहीं सकता हम क्लियर हैं अलबत्ता फिर भी सिस्टम चलना है आपने वोट देना है तो उन्नास के सामने हम रहनुमाई तो रखेंगे अगर कोई वोट देना चाहते हैं, तो दो बातें देख ले नंबर एक जिस फर्द को वोट दे रहा है फर्द को कैंडिडेट को वो जाहिर के एबार से फिसको फजूर में मुबतला ना हो वरना चोर डाकू चक्के लुफंगे बदमाश अल्लाह के दीन के अहकाम के तोड़ने वाले इनके लिए राय देंगे किस के लिए राय दे रहे नंबर एक ये देख ले जिसको राय दे रहे हैं वह जाहिर किसी के घर में नहीं जा सकते किसी के प्राइवेसी में नहीं जाएंगे जाहिर के एतबार से देख ले फिसको फजूर में मुबतला तो नहीं और नंबर दो वो जिस जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है उस जमात के मंशूर में खिलाफ इस्लाम तो की बात शामिल नहीं और उसकी क्यादत के बयान में खिलाफ इस्लाम की बातें शामिल तो नहीं वरना किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ बातों को सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी पॉलिसी है को वोट देना चाहे अमानत को अदा करना चाहे बिल्कुल ठीक है ये दो बातों के साथ मुतलक अमानत नहीं है अमानत अहल लोगों के हवाले करना मुकद्दस अमानत मुतलक नहीं है ये शर्त भी पूरी करें तो ये हमारी तंजीम इस्लामी की सोची समझी राय है बाकी भी होगा अभी आप देखें अफसोस होता है अब दीनी सियासी जमाते भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई और अजीब बात इंतहाई पक्की दीनी जमात है सेकुलर लोगों के साथ खड़े हैं इंतहाई दिनी जमात है सैकुलर लोगों के हक में दस्तबरदार हो गए इंतहाई कल एक दूसरे के दुश्मन थे मफाद आ गया तो जमा हो गए अजीब बात है। और हमारी राय है कि भाई रायमेंट वालों को भी अपने इदारों के काम चलाने चाहिए अपना काम से काम रखना चाहिए और इन हमारे सियासतदानों को भी अल्लाह बलूगत अता फरमाए ये खुद क्यों दौड़ दौड़ के वालों के पास जाते हैं कल कोई किसी का लाडला आज कोई किसी का लाडला बड़ी मारूफ असला है ना अचीब मफाद परस्ती है ना और तो कुछ नहीं है मतलब अमेरिकन ने क्या कहा था ये पाकिस्तान वाले क्या कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं मैं नहीं कहना चाह रहा वो जुमला ये मफाद परस्ती तो बहरहाल ये अभी चलेगा अल्लाह ताला मुल्क की आफियत का मामला रखे हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं इस्लाम के नाम पर हमने लिए इसलिए मोहब्बत है वरना जस्ट एक जमीन का टुकड़ा उससे मोहब्बत नहीं है वतन परस्ती कोई शेय नहीं और नारे लग लगने सबसे पहले पाकिस्तान पहले मुशरफ ने लगाया अब कह रहे एक की जान पूरे एक मुल्क से ज्यादा कीमती है अल्लाह अकबर कबीर वतन परस्ती नहीं हमारे दीन में इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरन उसका है वो मधब का कफन है वतन परस्ती अल्लाह ने नहीं सिखाई अल्लाह के दीन ने नहीं सिखाई हाँ इस मुमलिका से मोहब्बत इसलिए है कि इसका नाम है इस्लामी जमहूर पाकिस्तान अल्लाह करे कि वो वाक बने हमारा तो ये दर्द है और मैं बारहा यहां बैठ के पूरे पाकिस्तान में बैठकर का फौजी हुक्मरान हो ये हमारी तमाम सियासी जमातें इनकी तर्जियात में इस्लाम है ही नहीं और एक ही केस मैं बरसों से रख रहा हूं सूद के खात्मे के लिए कोई सीरियस नहीं इनमें से जिन जिनको इकतेदार मिला कोई सीरियस नहीं हो फौजी हुक्मरान हमारे ना जिन जिन सियासी जमातों को इकतेदार मिला नॉट अ सिंगल वन इज सीरियस अबाउट देशन ऑफ रिबा यह हमारा तजिया इनके बारे में तो बस ठीक है खाना जरूरी है हवा जरूरी है मुल्क का निजाम चलाने इलेक्शन हो जाए हो जाए अल्लाह आफियत के साथ रखे खुदा वास्ते का बैरअ नहीं अल्लाह आफियत का मामला रखे मगर मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ क्या लेके जाएंगे अल्लाह के सामने सारी मेहनत सारी स्ट्रगल सारी जिद्दोजहद अपने कुछ मफादात और कुर्सी और अपने दुनियावी बेनिफिट्स के लिए थी और अल्लाह के दीन के साथ तुम्हारी कोई कमिटमेंट नहीं थी अल्लाह का दीन तुम्हारी तरजीहात में नहीं था तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे ये हमारे इलेक्शन लड़ने वालों को भी सोचना चाहिए आज जिनके पास हुक्मरानी वो भी सोचें कल जिनके पास आएगी वो भी सोचें और आप और मैं भी सोचें म्यूजिकल चेयर में पूरी कौम कितनी लगती है और अल्लाह के दीन की कॉस्ट में हम कितने उठते हैं मेरा सवाल आपसे भी और अपने आप से भी है अल्लाह इसका जवाब तलाश करने की हमें तोफी अतः फरमाए बाल जी तफी बयान हो गया खासा इनकुम बेशक अल्लाह तलाकुम देता है कि तुम अमानत उनके अहल लोगों के हवाले कर दो वह इकम तुम बईनता बिलादुल और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो आदल के साथ फैसला करो कुछ अरसे पहले तबका रही हमारे सर डॉक्टर ने क्लियर किया कि हमने दीन का बस एक ही वर्जन पेश किया चंद इबादत कुछ मसाइल का मामला कुछ हलाल हराम की बातें दट बिल्कुल हलाल हराम के फैसले अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाए हैं उसका चाहिए, अमल होना चाहिए लेकिन अल्लाह के दीन ने इबादत अखलाकियात और हकूक इबाद के साथ साथ इकनॉमिक सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम सोशल सिस्टम जुडिशरी सिस्टम सोशल जस्टिस इस सब के लिए भी रहनुमाई अता की जिसको आज दुनिया और हम भी तरस रहे हैं तो हम यस हम बात करें अदल की अलबत्त याद कि अदल बड़ा जामे लफ्ज आपको याद होगा मैं तफसी कलाम किया अपनी ज़ात से अदल अपने घर में आदल आमतौर पर लोग मदाक में उड़ा देते हैं वो जी दूसरी शादी करने का तेरा बड़ा इरादा है तू अदल करेगा कि नहीं इतना ही याद रहता है बाकी हिम्मत नहीं है दूसरी शादी करने की तो खामोश बैठो ना एतराज क्यों करते हो एक के साथ भी अदल करते हो पहली बीवी के साथ भी अदल करते हैं औलाद में अदल अपने मुलाजमीन में अदल मामलाती जिंदगी में अदल कानून के तकादे पूरे करने में आदल अदालत फैसलों में अदल एंडल so तो कैचवर्ड है इस्लाम का जिंदगी की तमाम उमूर के अतबार से वो रहनुमाई देता है बहरहाल इस पर हमने तस्सी कलाम भी किया अलबत्ता यहाँ पर यह है वह तुम है नास और तुम जब लोगों के दरमियान फैसला करो अंतुम बिलाआल तो तुम अदल के साथ फैसला करो ये तकादा मुझसे भी है आपसे भी है घरों में भी है कारोबार में भी होगा रिश्तेदारों में भी होगा हुक्मरानों से भी होगा और बिलखसूस जजिस, जजिस से भी होगा लिखा तो होता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और दीगर कोर्ट्स के बाहर वो तराजू भी लगा हुआ होता है अपने आप से पूछिए अपने दिल से पूछिए मुतम है कि अल्लाह को जवाब दे सकेंगे हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते अगर मुतमिन है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और अल्लाह को जवाब दे देंगे तो बस ठीक है आपके और आपके रब के, के दरमियान और अगर मुतमिन नहीं है और कोई प्रेशर आप पर है कह के घर चले जाओ भाई वरना फैसले करो आदल के साथ कल अल्लाह ताला को जवाब देना हम सब ने मैं भी करूं आप भी करें और एक रियासत की सतह पर जिनको जजिस बनाकर बिठाया गया उन्हें भी अल्लाह का खौफ करना चाहिए क्यों आगे अल्लाह फरमा बे। रहे हैं इन अलाई भी बेशक अल्लाह तुम्हें उमदा वसीतरता है इन अला समी अम बसी बेशक अल्लाह तूब सुनने वाला खूब देखने वाला है इतना मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह ताली की ये दो सिफ़ात अक्सर आती हैं आयात के आखिर में और ये बड़ी रेलिवेंट होती हैं और बड़ी कीमती होती हैं अल्लाह खूब सुनता है तुम क्या बातें कर रहे हो तुम क्या कमेंट्स पास कर रहे हो सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है लोग खुदा की इनकार पर, पर उतर आए दीन का मजाक उड़ाते दीन वालों का मजाक उड़ाते दीन के मुसलमा मामला का मजाक उड़ाते जो तुम कह रहे हो अल्लाह के इल्म है सुन भी रहे है, वो देख भी रहे और अल्लाह का सुनना देखना मैंने पहले भी अर्ज किया था इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है ये अकाउंटेबिलिटी के लिए है कल अल्लाह के सामने पेश होना है जवाब देना है बहुत प्यारा जुमला यानी गांव देहात की एक मां भी आराम से ये बात सिखा देती है अपने बच्चे को जो आज हमारे बड़े बड़े इदारे नहीं सिखा पा रहे हम इधारों से डिग्री याफ्ता लोगों को निकाल लें टैलेंटेड लोगों को निकाल लें स्किल्ड लोगों को निकाल लें मगर वो जाके कौम को लूट भी रहे सब नहीं कई एक पाकिस्तान के 20 बड़े फ्रॉड उठा लें और दुनिया के 20 बड़े फ्रॉड उठा लें एक जाहिल नहीं मिलेगा जिसने किया हो हम क्या नहीं दे रहे हम तरबियत नहीं दे पा रहे हम खौफ खुदा पैदा नहीं कर पा रहे बूढ़ी माँ गांव देहात की बच्चे की घुट्टी में डालती है बेटा जो करना है कर ले रब पूछेगा जरूर अल्लाह जरूर पूछेगा ये घुट्टी में अगर पड़ा हो तो सात पर्दों में जब माँ बेटी से कहती है बेटा दूध में पानी मिला दो उम्र तो नहीं देख रहे रजी अल्लाह तो बेटी कहती है अम्मा उम्र नहीं देख रहे तो क्या हुआ रजी अल्लाह तन उमर के और मेरे और आप मेरा और आपका रब तो देख रहा है बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है अल्लाह मुझे और आपको भी यकीन दे बातें मैं बहुत बड़ी कर रहा हूं मैं भी कमजोर हूं भाई आपके लिए बाद में पहले मेरे लिए लेकिन क्या करें बातें यही करनी ताकि मैं भी सीधा हूं आप भी सीधे हूँ हम सीधे हों हम हमारी कौम सीधी हो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए चंद बातें हालात हादर और आलमी हालात के तनादुर में मुल्की हालात तो मैंने आपके सामने रख दी जो शायद इरादा था के बाद में आए भारत बड़ो पड़ोस में जी और मोदी की इस्लाम दुश्मनी और हिंदुत्व का मामला और खुलकर सामने आ गया बाबरी मस्जिद की शहादत तो पुरानी बात है बाज यंगस्टर्स को तो याद भी ना हो कि क्या था और आज वहां मंदिर की तामीर कहा जब भारत बना था तो मधहब का इनकार किया गया था और सेक्युलर होने का दावा किया गया था जमहूरियत के चैंपियन होने के दावेदार इस भारत के अंदर आज वो अकलियतों के लिए बिलखसूस मुसलमानों के लिए जिंदगी को तंग कर दिया गया याद रहे ये सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर खड़ा हुआ था जो अकोमोडेट करते है सारी माइनॉरिटीज को अगर ये इसके बर खिलाफ जाएगा तो खुद भारत अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहा है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इस्लाम के नाम पर बने और हमने इस्लाम को देश निकाला दिया तो आज हमारा बेड़ा गरक हुआ पड़ा है इसी तरह वो सेक्युलर के नाम पर खड़े हुए सेक्युलरिज्म के नाम पर और आज वो भारत में मोदी खड़ा होकर उस पर जो है वो कोल्हाड़ा चला रहा है भारत की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जिंदगी और अजीरन छब्बीस जनवरी को जो हमें जमहूरिया बनाया जाता है भारत का और कश्मीरियों पर और जिंदगी वजीरन की जा रही इसराइली नमूना कि यहूद को आबाद किया जा रहा है ना वहां पे फलस्तीन में ला ला कर इसी तरह हिंदुओं को कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में आबाद करके गोया कि मुकम्मल कब्जा और बढ़ाने का मामला मुसलमान पता नहीं कहां सो गए वो तो आकर हार भी पहनाते हैं मेडल भी देते हैं कभी बुलाकर मेडल पहनाते कभी जाके जो है वो हार पहनाते मोदी को इस कसाई को जो यत, नतन याहू बना हुआ भारत का आज कहां सो गए मुसलमान हुक्मरान अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए दूसरी तरफ हमारी मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ मामला चंद दिनों पहले इमरान ईरान के साथ मामला हो गया अल्लाह इस मुमलिकत की हिफाजत फरमाए हमने तोरखम का बॉर्डर बार बार हम बंद कर रहे हैं बार बार बंद कर रहे हैं हमारी गुजारिश ये है कि भाई वो मुसलमान मुल्क है हाँ वजह है कि जब पाकिस्तान कायम हो तो अफगानिस्तान ने कबूल नहीं किया था मगर यह भी तो बात मानो जब मुला उमर रहमत के दौर में अफगानिस्तान के तालिबान को हुक्मरानी वहां पर मिली थी तब आपकी हमारी मगरबी सरहद महफूज थी अमरीका बदमाश यहां से गया और अब वो लड़वाना चाहते हैं हमें और अफगानिस्तान के मुसलमानों को क्यों इन जालिमों को पता है कि मुस्तबिल में कोई जज्बात अगर हैं तो इस पाकिस्तान अफगानिस्तान में और इनको यह भी मालूम है कि इनके रसूल ने जो बशारतें दी मुस्तबिल के मंदरनामे में तो फौजें यहां से उठ के जा उठ के जाएंगी ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका जो नबी साम के दौर में खुरासान कहलाता था मगर वो उनसे हजम नहीं होता और हमारी सियासी हमारी अस्करी क्यादत की तरफ से नौजवानों ने अच्छे सवाल किए अच्छे जवाब उनके दिए गए और यह भी कह दिया गया कि एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा कीमती है क्या मतलब है क्या मतलब है इसका वहां जानवर रहते हैं क्या मतलब है आखिर इसका होश के ना खुल्ले हम गैर दीन दुश्मनों के बहकावे में आकर अपने मुसलमान भाइयों पर जुर्म करने को खड़ा ना हो जाए हां हम अफगानिस्तान के तालिबान से भी गुजारिश करते हैं अगर कोई दहशत गर्दी की कार्रवाइया हो रही तो मिलकर आप उसको सेटल करें और दोनों मुल्कों के लिए हमारी दुआ के अल्लाह ताला मामला को सेटल करें मुफाहमत के जरिए से मुदाकर के जरिए से वरना तोरखम का बॉर्डर बंद करेंगे अपनी तजारत को भी नुकसान पहुंचाएंगे वस्ती एशिया की रियासतों से हमारा ताल्लुक है वो भी हम ब्रेक करेंगे और इधर एक दूसरे की दुश्मनियां पालेंगे जिसका यह मुल्क मुतहमल नहीं हो सकता और उतना बड़ा मसला फलसतीन का खड़ा है आज शाम में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक पहला वर्डिक शायद आने शाम पांच बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक गया तो जनूबी अफ्रीका गया पाकिस्तान तो नहीं गया ओ भाई ये इतने बड़े उम्मत के मसलों को हमने संभालना है आपस में लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे तो खाक उम्मत का भला कर सकेंगे

को एडवेंचर करने की कोशिश करें बरतानिया रशिया अमरीका एडवेंचर भुगत चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर अल्लाह हमें समझ अता फरमाए वाखर उदावानी अलहमद और अब्बुल आलमी